अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए ब्लू स्टोन से की गई अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग का रिव्यू लेकर आई हूँ। ऐसे ही गुजरते गुजरते नज़र पड़ गई स्टोर पे, तो उनका चले इसे बाय करते हैं। प्राइसेस बहुत मज़े की थी इनकी। इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो इनके बैग पे ही मेंशन है। और एक और जो मज़े की चीज़ थी, इनके बार कोड जो है वो दिए हुए, यहाँ से आप इनको डायरेक्ट स्कैन करके भी इनके पेज पे विज़िट आप लोग कर सकते हैं। ब्लू स्टोन अच्छा ब्रांड था, अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। 99 रुपीज़ से लेकर 199 रुपीज़, इस तरह 1099 रुपीज़ के दरमियान था। ये सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, मेरे 10 ईयर बच्चे के लिए मैंने लिया था, बेटे के लिए। अच्छा मुझे 2 पीस लगा और उसको पसंद है, इस तरह की ईजी कम्फर्टेबल भी रहता है बच्चा, और अच्छा मोटा स्टफ था जैसे स्वेटर्स का स्टफ होता है। प्राइस भी बहुत प्यारी, बहुत रिजनेबल लगी मुझे। 999 रुपीज़ का ये जनाब मुझे 2 पीस मिला। ये देखिए जी, प्रॉपर टैग आइटम्स हैं और बहुत प्यारी कलेक्शन थी। आप लोग अगर वहाँ में रहते हैं तो ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिएगा। न्यू सिटी आर्केड में लोकेटेड है ये, वहीं पर इनकी शॉप है। 999 रुपीज़ का जनाब ये आपको आराम से ईज़िली मिल गया। अच्छा वहाँ पर ज़रा साइज़ का है, अगर पीसी जैसे अब यही था, इसके अलावा और मुझे नहीं नज़र आया था। अब मुझे नहीं मालूम कि पीछे इनके स्टोर में मौजूद होगा या नहीं होगा। एनीवेज बहुत प्यारा स्टफ लगा। डायनोज आजकल बहुत इन है। और ये देखिए जी, अच्छा इनका टैग था 7 to 8 ईयर के लिए था, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो मेयर ब्रांड ली, तो वो 7 to 8 ईयर की जो मेरी बेटी है उसको नहीं आया ये, इसको बड़ा था तो ये बेटे को आ गया। ये देखिए जी, नैरो फिटेड इसकी स्लीव्स हैं जो बहुत स्मार्ट लगते हैं, बच्चे इनको पहन के और इजी भी रहते हैं। तो ये इनकी शर्ट थी, इनका स्टफ बहुत खूबसूरत, जो मशीन से हुई भी होती है ना, स्वेटर्स बनी हुई होती है उस तरह का स्टफ है, टेरी स्टफ भी बोलते हैं इसको। और कलर्स बहुत प्यारे ब्राइट थे, वीडियो में इतने शायद क्लियर नहीं आ रहे। ये देखिए जी, इनर साइड से आपको दिखाती हूँ स्टफ इनका, आप देखिए। आप लोग अगर यहाँ न्यू सिटी आर्केड का विज़िट कर सके तो ज़रूर जाइएगा। और इसके अलावा इनका फेसबुक पे भी है, पर ऑनलाइन वही बात है, आपको इतनी तसल्ली नहीं होती। बहुत वैरायटी थी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मैंने चक्कर लगाया तो मैं आपको वहाँ की शॉप का भी विज़िट करवाऊँगी वीडियो के थ्रू। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, 999 रुपीज़ में बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला। और भी ब्रांड्स के हम बाय करते रहते हैं, लेकिन वो आराम से आपको मिल जाते हैं 1000 से ऊपर कहीं। तो ये डायनो जो है बड़ा एक्वा कलर का था, इसका शेड यहाँ पे शेड ज़रा चेंज है। और ये देखें जी, अब इसकी ट्राउज़र मैं आपको शो कराती हूँ, ट्राउज़र भी बहुत प्यारा बना हुआ। और ये फिटेड नहीं था, नैरो फिट नहीं था। और ये ऊपर से देखिए जी, आपको एडजस्टेबल जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से इजीली बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये अमूमन निकाल देती हूँ, क्योंकि स्ट्रिप जो है ये इसको बच्चे को ना मुश्किल होती है, वो नहीं इसको कंफर्टेबल होती उसके लिए। तो फिर मैं इसमें जो है ना इलास्टिक जो है डाल के इसको देती हूँ, ईजीली वो पहन सकता है। तो ये देखिए जी, फुली टैग सब कुछ मेंशन है, बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़े का। ये था ही एक तो मैंने फ़ौरन ही ले लिया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था इनके पैसेज की वजह से, समझ नहीं आई थी। आप एक चीज़ देख रहे थे तो सेकंड टाइम जब आपका उस उधर चक्कर लगेगा तो उस टेबल पे वहाँ पे वो रैक में थी नहीं, गायब थी। तो ये आपको इनके सारे अकाउंट्स वगैरह फेसबुक पे, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ही, मुझे मैंने देखा ही इनको फ़र्स्ट टाइम ही है, सुना भी नहीं था इस ब्रांड के बारे में, लेकिन सामने जब चीज़ है भी हमने जाके अंदर जब विज़िट किया तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे अच्छी लगी चीज़ें। मैंने अभी लेनी थी बच्चों के लिए, वैसे ही जहन में था तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें उठा ली हैं। बाकी मैं मज़ीद शॉपिंग इंशाल्लाह करूँगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं छोड़ के आई हूँ नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, दूसरे बैग में जी मैंने ये बेटी के लिए ली थी, तीन ही आइटम्स इसके लिए मैंने बाई किए और अच्छी प्राइस पे, रिजनेबल प्राइस पे मिली हैं। आपको भी मैं दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जी, सबसे पहले आपको शर्ट का रिव्यू दूँ। प्रिंटेड शर्ट है, बहुत प्यारी है, पिंक कलर है और बेबी पिंक कलर बोलते हैं जिसको, और फ्लावर्स प्रिंट हुए हुए हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये 3 to 4 ईयर की एज का है, लेकिन बेटी जो है मेरी 7 ईयर की है, लेकिन बड़ी स्लिम है वो, इसलिए उसको ये इजीली आ गया था।
साइज़ इसका जो है ज़रा खुला था, 3 से 4 साल के बच्ची के लिहाज से, तो आराम से मेरी बेटी को आ गया। और ये देखिए जी, सब कुछ इस पे मेंशन है, आपको प्रॉपर टैग्ड है, न्यू आइटम्स हैं सारे। और ये देखिए जी, अच्छी खासी ये चौड़ाई है, मतलब आप स्वेटर्स सर्दियों में जो नीचे हाईनेक्स वगैरह पहनी जाती है, सर्दियों के वैसे ही आप लोगों को थोड़े खुले लेने पड़ते हैं। और ये देखिए जी, अंदर से हल्का सा वूल स्टफ में इसका आ रहा है, मतलब गर्म है ये, आपका भी सर्दियों में बहुत प्यारा नीचे हाईनेक के साथ जो है ये बहुत ज़बरदस्त जाएगा। तो जनाब इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, सारा ओवरव्यू देती हूँ उसका आप लोगों को। लाइट कलर्स दिख रहे हैं इसके, है भी थोड़ा लाइट पे ही है, बहुत डार्क नहीं है। मेरे पास ट्राउज़र एक पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले मैं इसके साथ ये मैच कर लूँगी, बहुत अच्छी मैचिंग हो गई। और 299 रुपीज़ की प्यारी सी शर्ट मिल गई आपको। उसके बाद जी ये मैं आपको सॉरी बताना भूल गई, ये देखिए जी इसकी प्राइस टैग फुली, और यहाँ पे लिखी हुई है जी इसकी प्राइस 299 रुपीज़। और इजी है, अच्छी प्राइस में थी, आपको आराम से मिल गई। और इसके अलावा जो मज़े की चीज़ थी जनाब, ये वाइट कलर की इनर्स थे पहनने के लिए बच्चों के, तो जो कि ज़ाहिर है सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्म भी है। और ये भी 3 से 4 साल का टैग तो लगा हुआ था, लेकिन ये 3 से 4 साल के लिए है नहीं था, ये मैंने 7 साल की अपनी बेटी के लिए लिया है। और ये भी 299 रुपीज़ में आप मुझे जो है मिल गई, बहुत रिजनेबल प्राइस में। यही हम टाइट जो है नीचे पहनने के लिए लेते हैं, बाहर से तो वो 450 या 500 तक हमें मिलती है, तो अच्छी है और गर्म है, मतलब बहुत पतला स्टफ़ नहीं है, अच्छा स्टफ है। इसी में ही सेम यही था, इसी में ब्लैक है, वही 3 से 4 साल की उम्र में, और वही प्राइस टैग 299 रुपीज़, सेम एज़ वाइट। तो दोनों कलर्स हैं, यूज़ होते हैं सर्दियों में यूनिफॉर्म के नीचे, तो वाइट ही वुमन चलता है, बाकी कुछ ऐसी होती है ड्रेसिंग जिनमें वाइट अच्छा लगता है ब्लैक की नस्बत। और ये शर्ट थी आपको मैंने दिखाई, बहुत प्यारे मुझे बड़ी प्यारी लगी है ये शर्ट, इसमें थोड़े कलर्स और नहीं थे, बहुत लिमिटेड थी, और एक और प्रिंट था बहुत प्यारा था, लेकिन उसमें साइजिंग नहीं थी। आप इनकी शॉप पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अगर आपकी इर्द गिर्द कहीं है, अगर आप देखें विज़िट कीजिए, सर्च करें, तो मशवरा है मेरा अच्छी आपको प्राइस पे जो है। वैसे मैं इंशाल्लाह फिर विज़िट खुद करूँगी, जब तक के लिए आप लोगों को वीडियो दिखाई है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।